हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सिरवी समाज ने अपना 60,000 वोट बैंक मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग रखी है। रविवार को समीपवर्ती पिछुआ के चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में आयोजित सिरवी समाज के स्नेह मिलन समारोह में जति भगा बाबा, बिठुड़ा पिराने के रावत सिंह पिरोसा, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक पुखराज सिरवी के सानिध्य में सैकड़ों समाज बंधुओं ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के भूसी निवासी भूराराम सिरवी को माला और साफा पहनाकर उम्मीदवार के रूप में दावेदारी जताई है। वहीं सैकड़ों समाज बंधुओं ने आई माता के जयकारों के साथ पूर्ण रूप में समर्थन देने का वादा किया। इस मौके पर सेवानिवृत्ति आईजी सिरवी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब तक सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं शिक्षित रूप से परिपक्व होने के बाद उम्मीदवारी जता सकता है और यह लक्षण हमारे समाज के नवयुवा भूराराम सिरवी में हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम सभी समाज बंधुओं को एक राय होकर आगे आना होगा। इस मौके पर जति भगा बाबा ने कहा कि समाज को वोटों के गणित के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने का अधिकार बनता है। पिरोसर रावत सिंह जी ने कहा कि समाज और क्षेत्र में स्थानीय के रूप में अपना पक्ष मजबूत करने वाले भूराराम सिरवी ही दावेदार के रूप में दिखेंगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि भूराराम सिरवी ने कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस हाईकमान समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से मांग का ध्यान रखेगी, साथ ही किसान को भी प्रतिनिधि देने की बात की है। यहाँ पर पिछावा गांव में जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट के लिए जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई है उसमें 36 कोम स्थानीय प्रत्याशी भूराराम सिरवी को ही उन्होंने तन मन और धन से समर्थन दिया है और आगे भी देते रहेंगे और हम उनके साथ हैं। 36 सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।